वेलकम करते हैं आज की वीडियो में आप सबका। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है हमारी iPhone 13 सीरीज के स्पेक्स और प्राइस, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि नॉच आपको बड़ी मिलने वाली है या छोटी मिलने वाली है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस बार आपको कौन सा चिप मिलने वाला है। जहाँ तक हम बात करें तो चिप तो आपको ए बायोनिक 15 मिलने वाला है, 5mm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। 4mm पे इस साल नहीं जाने वाले हैं आईफोन वाले, अगले साल 4mm की टेक्नोलॉजी पे जाने वाले हैं। तो 5mm टेक्नोलॉजी पे प्लस होने वाला है। जो आईफोन 12 प्रो है वो 5mm है और इस बार वाला जो होने वाला है वो प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी पे होने वाला है। तो स्पीड्स आपको बड़ी ज़बरदस्त मिलने वाली है। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट। और जहाँ तक हम डिस्प्ले की बात करें तो इस बार डिस्प्ले सैमसंग के साथ ओएलईडी LTPO डिस्प्ले तैयार किया जा रहा है आईफोन 13 सीरीज के लिए। कि डिस्प्ले मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से बैटरी भी बचती है और आपको स्मूथनेस भी मिलती है। और जहाँ तक हम बात करें 120Hz का, सो वह आपको एंड में हम बताने वाले कि किस मोबाइल में आने वाला है। और जहाँ तक हम बात करें आईफोन 13 सीरीज की डिस्प्ले नॉच की, तो इस बार जो स्पीकर ग्रिल है वो नॉच में नहीं दिया गया है। वो आपको एंड्रॉयड के फोन्स की तरह ऊपर की साइड मिलेगा और नॉच भी इस बार आप चेक कर सकते हैं। इस बार बड़ी छोटी नॉच कर दी आईफोन वालों ने, तो ये सही है। और न्यूज़ निकल के आ रही है कि 2022 में जो आईफोन आने वाला है उसमें बिल्कुल नॉच कम हो जाएगी या बिल्कुल होगी नहीं। तो बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो जहाँ तक हम बात करें आईफोन 13 मिनी की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलने वाला है 5.4 इंच का ओएलईडी पैनल, 2314 और 1080p का रेजोल्यूशन आपको इसके डिस्प्ले में मिलने वाला है और 465 PPI मिलने वाला है आपको इसके डिस्प्ले में। और जहाँ तक हम रैम की बात करें, सो जो अभी तक न्यूज़ निकल के आ रही है वो इसमें आपको 4GB रैम का वेरिएंट मिलने वाला है और 128, 64 और 256 आपको स्टोरेज मिलने वाली है, जिनका प्राइस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको हार्मर फ्लेम मिलने वाला है साइडों से और ड्यूअल कैमरा होने वाला है जैसे आईफोन 12 मिनी में था। और OS 15 प्लस ए बायोनिक चिप A15 पे बेस्ड होने वाला है ये। और इसकी प्राइस की बात करते हैं अभी। चलिए, 64GB वाला वेरियंट है वो $700 का है। सो उसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रेट में तो 1,06,000 का वो बन रहा है। तो देखते हैं पाकिस्तान में और UAE में आपको कितने का मिलने वाला है, क्योंकि UAE में आपको और सस्ता मिल जाता है पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे इतना टैक्स नहीं लगता है मोबाइल्स के ऊपर। और जाता हम बात करें 128GB की वेरियंट की, तो वो आपको $750 का मिलने वाला है, जिसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी प्राइस में 1,14,000 का आपको मिलने वाला है। सो डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो 1,14,000 आपको पाकिस्तान में मिलने वाला है ए 128GB वाला। 256GB आपको $850 का मिलने वाला है। सो या उसको कन्वर्ट कीजिए पाकिस्तानी प्राइस में तो 1,29,000 तक निकल के आ रहा है अभी तक। तो ये प्राइस हमें पता चली है वो हम आपको बता रहे हैं। और अभी बढ़ते हैं आईफोन 13 के बारे में। तो आईफोन 13 मिनी में आपको 120Hz नहीं मिलने वाला है। तो बात करते हैं आईफोन 13 के बारे में। और आईफोन 13 में आपको 6.OLED SR XDR डिस्प्ले मिलने वाला है। PPI की बात करें तो इसमें आपको 416 का PPI मिलने वाला है। और जहाँ तक हम रैम की वेरिएंट की बात करें, जो अभी तक हमें पता चला है कि शायद आपको इसमें 6GB का वेरिएंट भी मिल जाए और 4GB वाला भी। तो इसमें आपको स्टोरेज जो मिलने वाली है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। फोन 13 में भी 64, 128GB, 256GB तो ये स्टोरेज मिलने वाली है। और हार्मर फ्रेम आपको इस पे मिलने वाला है साइडों से और ड्यूअल रियल कैमरा भी होने वाला है, तो इसका भी आपको
ड्यूअल कैमरा मिलने वाला है। तो iOS 15 पे बेस्ड होने वाला है, प्लस ये बायोनिक 15 के चिप पे भी। और जो 64 GB वाला वेरिएंट है वो है $800 का, तो उसे कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी प्राइस में तो 1,22,000 तक आपको ये निकल के आ रहा है। और जहाँ तक बात करें 128 GB का, सो वो $850 का निकल के आ रहा है। जब उसको पाकिस्तानी रेट में या उसे कन्वर्ट किया जाए तो 1,29,000 का निकल के आ रहा है। iPhone 13 में आपको 256 GB वाला वेरिएंट $950 का मिलने वाला है, और उसे कन्वर्ट कीजिए पाकिस्तानी प्राइस में तो 1,45,000 का ये आपको मिलने वाला है। तो बात करते हैं, इसमें भी 120Hz आपको नहीं मिलने वाला है। सो iPhone 13 Pro में आपको 120Hz मिलने वाले हैं। तो चलिए उसके स्पेक्स पे बात करते हैं। सो iPhone 13 Pro में आपको 66.1 इंच का OLED XDR डिस्प्ले मिलने वाला है। और जहाँ तक हम बात करें 120Hz के साथ, तो आपको पता है iPhone का 16Hz का डिस्प्ले बड़ा फास्ट होता है। तो जब 120Hz हमें मिलेगा तो एंड्रॉयड के फोन तो ना कामयाबी हो जाएंगे iPhone के मुकाबले में। और इसमें आपको 460 PPI मिलता है। और इसके जो रैम के वेरिएंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि 6 GB आपको इस बार मिल सकता है, और 8 GB का भी वेरिएंट इसमें आपको मिल सकता है। तो 128 GB स्टोरेज होने वाली है, और 256, 512 और 1 TB की स्टोरेज। तो 1 TB की स्टोरेज का मतलब है कि 1000 GB की स्टोरेज में आपको इसमें मिलने वाली है। और जहाँ तक हम इसकी प्राइस की बात करें वो भी करेंगे, वो 15 पे बेस्ड होने वाला है, बायोनिक चिप A15 प्लस पे बेस्ड होने वाला है। तो चलिए रोम के वेरिएंट्स की प्राइस की बात करें जो अभी तक हमें निकल के आ रही है। सो 128 GB आपको $1,050 का मिलने वाला है, जिसको कन्वर्ट कीजिए पाकिस्तानी प्राइस में तो 1,60,000 के करीब जो प्राइस निकल के आ रही है ये है। सो 256 GB वाला वेरिएंट आप $1,115 का मिलने वाला है। सो ये $1,115 का आपको मिलने वाला है, जाए इसको कन्वर्ट कीजिए पाकिस्तानी प्राइस में निकल के आ रहा है 1,75,000 प्राइस निकल के आ रही है। और जहाँ पे हम बात करें 512 GB की वेरिएंट की, $1,350 का निकल के आ रहा है। या कन्वर्ट किया जाए उसको पाकिस्तानी प्राइस में तो 2,06,000 का ही आपको मिलने वाला है। और सबसे लास्ट वेरिएंट की हम जब बात करते हैं 1 TB स्टोरेज की, $1,550 का निकल के आ रहा है। या कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी प्राइस में तो 2,36,000 निकल के आ रहे हैं। तो ये भी कुछ प्राइस पता चली हैं। जब आप iPhone 9 सितंबर में लॉन्च होगा या आप उसके बाद 2-3 महीने के बाद लेने जाते हैं तो आपको प्राइस कम मिल जाती है। जैसे आप दुबई में जाएंगे तो आपको उसके बाद प्राइस बहुत कम मिलेगी। और अभी हम बात करेंगे iPhone 13 Pro Max के बारे में कि इसमें डिस्प्ले कितना होने वाला है, और 120Hz इसमें भी होने वाला है, और इसकी क्या प्राइस है। 7 इंच का OLED XDR डिस्प्ले आपको मिलने वाला है 120Hz। और इसमें जो रैम के वेरिएंट की हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है 6 GB का वेरिएंट और 8 GB आपको इसमें मिलने वाला है। तो पहला वेरिएंट 128, 256, 512, 1 TB स्टोरेज और स्टील फ्रेम आपको इसके साइड्स में मिलने वाली है। और iPhone 13 Pro में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, और इसमें भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। OS 15 पे बेस्ड होने वाले A15 चिप A15 पे। तभी हम रोम की प्राइसेस पे बात करते हैं कि क्या निकल के आ रही है। 128 GB वाला वेरिएंट आपको $1,150 का मिलने वाला है, जिसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी प्राइस में तो 1,75,000 का आपको मिलने वाला है। तो जहाँ तक हम बात करें 256 GB की वेरिएंट की, सो वो आपको मिलने वाला है $1,250 का, जाए उसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी प्राइस में तो 1,91,000 का आपको मिलने वाला है।
तक हम बात करें 512 GB के वेरिएंट की, तो उसकी डॉलर में प्राइस आ रही है $1,415। उसे कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी प्राइस में तो 2,21,000 का निकल के आ रहा है। और आखिरी वेरिएंट की बात करें 1 TB स्टोरेज की, वेरिएंट की 1 TB स्टोरेज का वेरिएंट आपको $1,615 का मिलने वाला है। या उसको कन्वर्ट कीजिए पाकिस्तानी प्राइस में 2,52,000 का आपको 1 TB स्टोरेज का iPhone 13 Pro Max का वेरिएंट मिलने वाला है। पीएंगे चाय और ये कुछ वीडियो आपके सामने मैं प्ले करता हूँ, जब तक आप वो भी देख सकते हैं। iPhone 13 सीरीज तो आ रही है, तो iPad Pro 2021 के ऊपर भी हम बात करेंगे। या आपने इस वीडियो को लाइक किया और सपोर्ट किया।